एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिंद प्रशांत इलाके में युद्ध का बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की ताकत कम होती जा रही है। दरअसल सिडनी में विदेश नीति थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने 26 देशों का एक इंडेक्स जारी किया है। ये अलग अलग देशों को इलाके में उनकी ताकत और नियंत्रण के मुताबिक रैंकिंग देता है। इस रैंकिंग को एशिया पावर इंडेक्स कहा जाता है। इसमें इस बात पर रोशनी डाली गई है कि किस तरह कोरोना वायरस महामारी ने बीजिंग की ताकत को कम कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्या सैन्य ताकत का उभरता संतुलन हिंद प्रशांत इलाके में तनाव और सामरिक स्थिरता में योगदान देता है। ये एक खुला सवाल है। दुश्मनों की गहराई, अमेरिका चीन के बीच बढ़ती प्रतियोगिता और कई तनाव पैदा करने वाले मुद्दों की मौजूदगी का मतलब है कि युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। चीन की मजबूत हथियारों की रणनीति का मजाक उड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राजदूत कर्ट कम्बेल ने बीजिंग पर नाटकीय आर्थिक युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तहत चीन ज्यादा खतरा स्वीकार करने वाला, ज्यादा मुखर, बुनियादी तौर पर ऐसे कदम उठाने के लिए ज्यादा अड़ियल हो गया है जिसे बाकी देश जबरदस्ती के तौर पर देखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि चीन कभी भी उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि अमेरिका रहा है। पिछले 2 सालों में चीन ने एक भयंकर राजनीतिक विवाद में ऑस्ट्रेलियाई सामानों पर पाबंदी लगाई है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर की गई कार्रवाई के बाद से ये सबसे बड़ी कार्रवाई रही है। इस वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कैनबरा ने कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर स्वतंत्र जांच करने की मांग की थी। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने चीनी टेक दिग्गज हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी को अपने 5G दूरसंचार नेटवर्क से बैन कर दिया था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।